खबर वो जो सही रास्ता दिखाती है, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी है, खबर वो जो निकल कर सामने आती है। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, जिसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो केवल बड़े बोल बोलती है, खबर वो जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है, खबर वो नहीं जो केवल सनसनी फैलाती है। सच्चे और सही रास्ते से गुजर कर जो लाए सही पहचान, यही है दूरदर्शन की पहचान। विधानसभा चुनाव 2018 के परिणामों की घड़ी बिल्कुल नजदीक है और चंद पलों में आपके सामने मतगणना टेबलें सजी मिलेंगी और परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। रीवा दर्शन की इस खास पेशकश में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पहले आपको परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रीवा के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र तिवारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2018 के मतगणना की। एक ये अंतिम कड़ी है जो यह फैसला तय कर देगी कि यहां पर सरकार किसकी बनने जा रही है और कौन सत्ता पर बैठेगा। बहरहाल रीवा जिले की आठों विधानसभा में जिस तरह से रुझान खुलकर सामने आए हैं, पोलिंग बूथों में जिस तरह से चौकसी की गई और उसके बाद आज परिणामों की घड़ी आपके सामने आने वाली है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही उत्साहित हैं। यहां पर जो नतीजे सामने आने वाले हैं वो भी आपको चौंका देंगे और यहां पर कौन जीत कर जाएगा विधानसभा और कौन हार कर इस क्षेत्र में फिर तैयारी करेगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन यहां पर जिस तरह से मतगणना को लेकर तैयारियां की गई हैं, हम बात उस पर करते हैं। और अगर हम बात करें इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना स्थल की, तो यहां पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या क्या व्यवस्था में यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पोलिंग बूथ एजेंट से लेकर मतगणना कर्मियों के लिए क्या व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। सुरेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि जितनी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, वहां पर किस तरह से आप उसको देखते हैं? जी, निश्चित तौर पर जिला जो निर्वाचन अधिकारी ने यहां पर पूरी संपूर्ण व्यवस्थाएं की हैं। उन्होंने जिले के 158 प्रत्याशी आठों विधानसभा में अपने भाग्य आजमा रहे हैं और उनके जो कहते हैं परीक्षा का परिणाम, बस कुछ ही समय अब रह गए हैं जब ये परिणाम सामने आए। और इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में विशेष तौर पर बैठक ली थी, जिसमें नगर निगम के अधिकारी, पुलिस विभाग के जो SP हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय वो भी थे जी, और साथ ही जिला निर्वाचन से संबंधित जितने भी बड़े अधिकारी थे उन्होंने वहाँ पर एजेंडों के लिए कहाँ से आना जाना है, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, मीडिया पर कहाँ से प्रवेश करेगी, इसके लिए भी वहाँ पर व्यवस्थाएं देखी गई। बिल्कुल, वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 गेट बनाए गए हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और 4। इन सभी चारों गेटों पर अलग अलग लोगों को जाने की अनुमति होगी। पहले गेट पर अगर हम बात करें तो इस पहले गेट से जो वहां के प्रत्याशी हैं और साथ ही जो एजेंट हैं वो जा पाएंगे। इसी तरह से दूसरे नंबर गेट पर वरिष्ठ अधिकारी और मीडिया कर्मी प्रवेश कर सकेंगे। वहीं तीसरे गेट और चौथे गेट पर भी इसी तरह से अभ्यर्थी और पोलिंग एजेंट मतगणना स्थल पर जाकर अपने रूम पर जाएंगे और जहां पर मतगणना की कार्रवाई की जा रही है वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अगर हम बात करें 158 प्रत्याशियों की, तो सभी 158 प्रत्याशियों के लिए यहां पर अलग अलग टेबलें बनाई गई हैं, विधानसभा बार टेबलें सजाई गई हैं और EVM मशीनें यहां पर खुलेंगी, जिसमें उनके भाग्य का फैसला होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्या सुरेंद्र जी, जिस तरह से वहां पर वीडियोग्राफी की भी इस बार व्यवस्था की गई है कि अगर कोई एजेंट या कोई प्रत्याशी विरोध करता है, उसको कोई बात का डाउट होता है कि मतगणना में किसी तरह की लापरवाही है, ऐसी सूरत में वो कंप्लेन भी कर सकता है। निश्चित तौर पर इस बार जो है जिला निर्वाचन अधिकारी के अलावा कहीं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की उससे जो है तीसरी आंख का पहरा वहां पे रहेगा। अगर कोई विवाद की स्थिति आती है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई आपत्ति दर्ज करता है, तो तत्काल आरोप के पास जो है अपनी शिकायत कर सकते हैं और जो तीसरी आप कह सकते हैं कैमरे की नजर रहेगी, उससे उस पर नजर बनाई जाएगी।
इस बार एक खास बात की गई है जो शहर के लोग हैं उनको भी मतगणना की जानकारी से अपडेट करने के लिए शहर में भी स्क्रीन लगाई जा रही है ताकि मतगणना स्थल की पल पल जानकारियां उनको मिल सके और वो हुजूम जो इंजीनियरिंग कॉलेज पे लगता था उस पर रोक लग सके। इसके लिए शहर के साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर चौराहों पर भी स्क्रीन लगाए गए हैं। निश्चित तौर पर इस बार भी अलग से व्यवस्था की गई है और निर्वाचन आयोग ने एक नई प्रक्रिया के तहत लोगों को इससे दूरी ना बने, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज के और यहाँ से दूरी करीब 6 किलोमीटर है शहर की, तो शहर के लोग भी देख सकें इसकी व्यवस्था वहाँ पर गई। इसीलिए जो है कह सकते हैं रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, जो बाईपास है बाईपास से अजगरहा तरफ से डाइवर्ट करेंगे, सगरा और विश्वविद्यालय की जो भी वाहन है उसे यहाँ शहर में प्रवेश करेंगे, इधर से जो भी जाएंगे उनको भी जो है बोधाबाग की तरफ से प्रवेश किया जाएगा और सब तरह से जो है पूरी तरह से व्यवस्था जो है यातायात भी वहाँ पे सुचारू रूप से रहेगी। और ये कह सकते हैं कि निर्वाचन जो जैसे महत्वपूर्ण है, जो जनता एक जगह सबरी से इंतजार कर रही है कि कौन होगा उनके क्षेत्र का नया विधायक, और तो इसको लेकर हर लोगों की जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए वहाँ पे जो है स्क्रीन जो है लगाई गई तीसरी आंख के द्वारा, वहाँ भी सबको बताया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने जिसको वोट दिया है ये जानना चाहते हैं कि वो वोट हमारा आखिर क्या कामयाब हुआ कि नहीं, हमने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है वो जीत रहा है कि हार रहा है, ये जानना सभी वोटर के लिए भी जरूरी होता है, जिसके चलता सभी मतदाता और समर्थक वहां पर कलेक्ट्रेट के साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज और ऐसे मुख्य चौराहों पर इकट्ठा होते हैं जहां से उनको पल पल की जानकारियां मिल सके। मैं यहां दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि यहां पर मतगणना की जो पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं वो किसी माने में कमजोर नहीं है और एक सशक्त व्यवस्था की गई है। यहां पहले चरण में डाक मत पत्रों की गिनती होगी और उस डाक मत पत्र में किसको कितने वोट मिले ये तय होने के बाद उसका एक प्रमाण पत्र जारी होगा और फिर अगले चरण की मतगणना शुरू होगी। इसी तरह से सभी चरण खत्म होने के बाद ही हर चरण में एक प्रमाण पत्र जारी होगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। अगर कहीं पर कोई आपत्ति होती है तो वो प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा और आगे का काम भी वहीं पर रुका रहेगा। ऐसी सूरत में प्रत्याशियों को क्या करना चाहिए, क्या समझाइश देना चाहेंगे आप? देखिए सबसे बड़ी बात है मतगणना जो एक शांतिपूर्वक होनी चाहिए, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए प्रत्याशियों को शांतिपूर्वक तरीके से आरओ के पास जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके पास और जिला निर्वाचन पास आपत्ति दर्ज करें और शांतिपूर्वक उसका निदान किया जाए, क्योंकि ये विवाद बहस करना इससे कोई फायदा नहीं होना, केवल एक अपनी जो आपत्ति है वो निष्पक्ष रूप से रखें, उसका निदान निश्चित तौर पर जो है उसका किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज में बैरिकेड्स लगाए गए हैं और वहां पर प्रत्याशियों के साथ ही उनके समर्थकों को रोकने की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी स्थिति पर प्रशासन उनसे निपट सके और कोई भी वहां पर ऐसी स्थिति निर्मित ना हो जो शहर के अमन और शांति में बाधा आए। बहरहाल वहां इंजीनियरिंग कॉलेज में बैरिकेड्स लगाने के साथ ही लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं, स्क्रीन लगाई गई है ताकि लोग देख सकें और सुन सकें कि वहां पर क्या चल रहा है और किस प्रत्याशी को कितने वोट मिल रहे हैं। यह निश्चित तौर पर ये चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहां पर जो की गई हैं वो किसी मायने में कम नहीं है और ये एक मतगणना के लिए पुख्ता व्यवस्था है। और साथ ही वहां पर सभी जो लोग कर्मचारी लगे हुए हैं, पोलिंग एजेंट लगे हुए हैं और मतगणना में जो लोग शरीक हो रहे हैं उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है, क्या मानते हैं कि किस तरह से वहां पर व्यवस्था है? जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल जो है इस मामले में जो व्यवस्था को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को बुलाया और बुलाने के बाद वहां पे पानी की व्यवस्था, जो खाने पीने के लिए जो दोपहर का भोजन है उसकी भी व्यवस्था के लिए उन्होंने चर्चा की और सभी व्यवस्थाएं आज से शुरू हो गई जो कि परसों जो 11 तारीख को जो है सबको वहां पे एनी टाइम उपलब्ध रहेगा। बिल्कुल, तो गेट नंबर 1 में जिस तरह से व्यवस्था की गई है कि वहां बैरिकेडिंग की गई है, अभ्यर्थियों को जाने के साथ ही उनके समर्थकों को जाने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर किस तरह की सतर्कता बरतने की जरूरत है और जो लोग जा रहे हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? देखिए जो वहां पे जा रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि पेन और डायरी के अलावा वो कुछ नहीं ले जा सकते। दूसरी चीज है क्योंकि जो प्रत्याशी हैं प्रत्याशियों के साथ जो है रीवा में अगर हम बात करें तो रीवा में 25 प्रत्याशी हैं, सिरमौर में 20, मनगांव में 14, सिमरिया में 22, गुड़ में 17, त्योथर में 20 और मऊगंज में 17।
तो इनके साथ जो जाएंगे, जो साथ में रहेंगे, इनके जो कह सकते हैं कि अभ्यर्थी के साथ एजेंट जो रहेंगे, इनकी संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो उनके लिए जो है बाहरी लोगों को रोकने के लिए चार बैरिकेड्स, जो अभी जानकारी हुई है कि चार बैरिकेड्स बनाए गए हैं और चार उनको अलग अलग करके उनको रोका। मेरे हाथ में चाय की प्याली देखकर आप आश्चर्य मत मानिए, ऐसी ही व्यवस्था आपको इंजीनियरिंग कॉलेज पर भी देखने को मिलेगी। वहां पर जो अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, साथ ही अभ्यर्थियों के, प्रत्याशियों के जो एजेंट रहेंगे, उनको भी ऐसे ही चाय की प्याली मिलेगी और भोजन का पैकेट भी मिलेगा। अगर ये आपको मिले तो आश्चर्य मत मानिएगा, क्योंकि वहां पर निर्वाचन अधिकारी ने ये सारी व्यवस्थाएं करके रखी है। निश्चित तौर पर इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी कोई भी समस्या वहाँ पे ना आए, इसलिए हर तैयारी के साथ वहाँ पे मौजूद है और जो भी लोग शिकायत किए उसका तत्काल वहाँ पे निदान किया जाएगा। बिल्कुल, सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना स्थल पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो किसी भी माने में कम नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एजेंटों को पेन और डायरी ले जाने की अनुमति है और किसी भी तरह की कोई सामग्री मतगणना स्थल पर नहीं जा पाएगी। ऐसे में सबको लगता है कि भोजन पानी की क्या व्यवस्थाएं होंगी और उन्हें पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा, पानी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में उन्हें पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चाय की प्याली से लेकर भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें भी मुहैया कराई जाएंगी। मेरे साथ आप भी चाय की स्वाद लीजिए। आप बने रहिए रीवा दर्शन के साथ। नमस्कार। खबर वो जो सही रास्ता दिखाती है, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी है, खबर वो जो निकल कर सामने आती है। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, जिसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो केवल बड़े बोल बोलती है, खबर वो जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है, खबर वो नहीं जो केवल सनसनी फैलाती है। सच्चे और सही रास्ते से गुजर कर जो लाए सही पहचान, यही है नई दर्शन की पहचान।